मम्मी की तबीयत को लेकर माँ ही हुई परेशान, हुई थी ब्रेन स्ट्रोक का शिकार। गुरुद्वारा में किया नेक काम, क्या है पूरी खबर आइए जानते हैं। वो माँ ही होती है जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। माँ वो सब कुछ समझ सकती है जो उसका बच्चा चाहता है, और इस तरह एक माँ और उसके बच्चे के बीच के बंधन को कभी भी शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। माही विच अपनी माँ सुषमा विच के ब्रेन स्ट्रोक के बाद भी इस तरह के दर्द से गुजर रही हैं। कुछ दिन पहले माही विच ने अपने इंस्टा हैंडल पर एक गुरुद्वारा से अपनी माँ के साथ एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में उन्हें सेवा करते और प्रसाद बनाने में लोगों की मदद करते देखा जा सकता है। वीडियो के साथ उन्होंने अपनी माँ के लिए एक लंबा नोट लिखा था, जिसमें बताया गया था कि वो अपनी माँ के लिए अरदास करने गई थी क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। वीडियो को शेयर करते हुए माही ने लिखा था, मेरी माँ के स्वास्थ्य के लिए अरदास, मेरी माँ मेरा स्तंभ, मेरी ताकत रही है। मैं ईश्वर से केवल आपका अच्छा स्वास्थ्य चाहती हूँ। माँ, आपने मेरे घावों को सहा है और मेरे डर को शांत किया है और मेरे आंसू पोछे हैं। मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। कभी कभी आप पर गुस्सा करने के लिए क्षमा करना, मैं आपसे प्यार करती हूँ। आपको इस तरह देखना हमें झकझोर कर रख दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि कर्म वास्तविक है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपके कर्मों ने आपको हमारी तरफ बचा लिया। हमारे लिए हमेशा मौजूद रहने के लिए धन्यवाद डॉक्टर लुल्ला, आपकी प्राउड बेटी माही। माही की मम्मी की तबीयत पहले से काफी बेहतर है और हम भी उम्मीद करते हैं कि माही की मम्मी सेहतमंद रहे और माही और उनका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। क्या कहना है आपका इस स्टोरी को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।